हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस, यानी एसिड और बेस क्या है, साल्ट कैसे फॉर्मेशन करते हैं और उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट लूंगा मैं एसिड्स का। जिन्हें अम्ल कहते हैं और एक सामान्य डेफिनेशन ली जाए, बिकॉज जब हम यूनिट्स में जाएंगे तो अलग अलग तरह से इन्हें टेस्टिंग के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट आता है, बट एक जो इलेक्ट्रोलिसिस बेस्ड कॉन्सेप्ट है एसिड के लिए, उसको लेकर के हम इनको डिफाइन करते हैं कि व्हाट आर एसिड्स। बच्चों, ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो इलेक्ट्रोलिसिस से H प्लस आयन देते हैं, मींस हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर एग्जांपल लें, लाइक एज अ HCl, H2SO4, HNO3, CH3, COOH आर द बेस्ट एसिड फॉर केमिस्ट्री लैब। और बच्चों, इन्हें क्लासिफाइड करते हैं टू कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रो क्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है, और जबकि CH3COOH एसिटिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड इन लैब, एंड एसिटिक एसिड इज वीक एसिड इन लैब, यानी इसे दुर्बल अम्ल के रूप में जानते हैं और इन्हें प्रबल अम्ल के रूप में जानते हैं। और ये क्लासिफिकेशन किया गया है इनकी इलेक्ट्रोलिसिस मैकेनिज्म को देख करके। तो अगर हम HCl का इलेक्ट्रोलिसिस करें बच्चों, HCl, देन इट गिव्स आउट H प्लस एंड Cl माइनस। तो यहां HCl इलेक्ट्रोलिसिस से H प्लस आयन का फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है, और जब H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे देन इट गिव्स आउट ट्वाइस H प्लस एंड SO4 टू माइनस। और यहां से भी हम देख पाते हैं कि ट्वाइस H प्लस आयन का फॉर्मेशन होता है, और जब नाइट्रिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे देन इट गिव्स आउट एच प्लस एंड NO3 माइनस। और एसिटिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस करें CH3COOH आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स आउट एच प्लस एंड CH3COO माइनस। तो यहां से बच्चों हम लोग देख पाते हैं कि ये इलेक्ट्रोलिसिस से H प्लस आयन देने वाले सब्सटेंस हैं, और इसलिए इनको इसी वर्ड में डिफाइन करते हैं कि वे केमिकल्स यानी वे रासायनिक पदार्थ जो वैद्युत वियोजन द्वारा H आयन देते हैं, मींस हाइड्रोजन आयन देते हैं, ऐसे सब्सटेंस एसिड कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और जब हम लोग डिस्कस करेंगे इनका इंट्रो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां प्रॉपर्टीज का भी डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम लोग केवल आइडेंटिफिकेशन समझ लेते हैं। कई बार आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर कैसे इनको आइडेंटिफाई करें। वैसे तो एक्सपेरिमेंटल है ये, हम इनका टेस्टिंग करके भी आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, और लैब में टेस्टिंग करने के लिए सबसे बेस्ट है आपका लिटमस टेस्ट। ब्लू और रेड लिटमस का यूज करते हैं एसिड और बेस के टेस्टिंग के लिए। तो चलिए जान लेते हैं कि बेस क्या है। इन्हें
क्षार कहते हैं। और सिंपली ये वे केमिकल्स हैं, वे रासायनिक पदार्थ हैं, वे रासायनिक पदार्थ जो इलेक्ट्रोलिसिस से या वैद्युत वियोजन से OH माइनस मीन्स हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, बेस या क्षार कहते हैं। तो बस आप आइडेंटिफाई करने के लिए ये टर्म याद रखें कि OH माइनस यानी हाइड्रोक्सिल आयन इनसे मिलने वाले हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं लाइक एज NaOH, KOH, Ca, OH का होल टेकन 2, NH4OH, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ बेस। और इन्हें भी उसी तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं हम, इसे बच्चों कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नॉमिनेशन बहुत अच्छे से इनका लर्न कर लें, बिकॉज जब केमिकल रिएक्शंस में हम लोग स्टडी कर रहे होंगे तो आपको क्वेश्चंस में इनके नेमिंग दिए होते हैं और फार्मूला करके आपको रिएक्शन कंप्लीट करना होता है, इसलिए अभी से इनके नेम और फार्मूले भी आप कंप्लीट करते चलें। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड CaOH का होल टेकन 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH इज नोन एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से इनको नॉमिनेट करते हैं बच्चों। NaOH को कास्टिक सोडा भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल नेमिंग में जाएं तो इसे आप कास्टिक सोडा के नेम से भी जानेंगे। और हम लोग जब यस ब्लॉक का स्टडी कर रहे होंगे, प्रॉपरली एल्केलाइन मेटल्स वाला पार्ट पढ़ रहे होंगे, वहां पर इसका मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, नेल्सन सेल से और कास्नर केल्नर सेल से। जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास कहते हैं, कास्टिक पोटास। और बच्चों ये आपके जो बेसिस हैं ये यहां पर स्ट्रांग बेसिस के रूप में जाने जाते हैं, स्ट्रांग बेस यानी इन्हें प्रबल क्षार कहते हैं। और इनका भी जो बेसिस है, ओरिजिन है, वो उनकी इलेक्ट्रोलिसिस पर डिपेंड है। और यहां जो NH4OH है ये आपका वीक बेस है, इसको दुर्बल क्षार के रूप में जानते हैं, दुर्बल क्षार। तो इस तरह से इन्हें भी, जैसे एसिड को हम प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल कहते हैं, उसी तरह क्षारों के लिए भी प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के रूप में इनको क्लासिफाइड करते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि कैसे हम ये डेफिनेशन के माध्यम से जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो इलेक्ट्रोलिसिस से चेक कर सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तो वे पदार्थ हैं ये जो वैद्युत वियोजन द्वारा OH माइनस आयन देते हैं। और पहले इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, इलेक्ट्रोलिसिस से Na प्लस और OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह KOH की इलेक्ट्रोलिसिस करें, सो K प्लस और OH माइनस इनका फॉर्मेशन होगा। और इसके बाद अगला करेंगे CaOH का होल टेकन 2, और जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस देंगे तो ये इसको फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा Ca प्लस प्लस और ट्वाइस OH माइनस। जबकि NH4OH का इलेक्ट्रोलिसिस देंगे देन ये बनाएगा NH4 प्लस और OH माइनस। तो बच्चों हम देख पा रहे हैं यहां कि इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर ये वे केमिकल सबस्टेंस हैं जो OH माइनस मींस हाइड्रोक्सिल आयन देने वाले होते हैं, ऐसे सबस्टेंस बच्चों कहलाते हैं बेस। तो आप में से किसी का क्वेश्चन था एक दिन वीडियो के कमेंट में था कि सर एसिड और बेस को कैसे हम आइडेंटिफाई करें, अगर वो क्वेश्चंस में हमें दिए जाएं फार्मूले में,
सबसे बेस्ट ट्रिक है कि आप इलेक्ट्रोलिसिस से जज कर सकते हैं कि अगर H प्लस आयन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस दे रहे हैं वो एसिड्स में, और जो हाइड्रोक्सिल आयन देंगे OH माइनस वाले वो बेसिस में। तो आप इस तरह से इनको टेबलाइज कर सकते हैं कि दिए गए कंपोनेंट्स में कौन एसिड है और कौन बेस है। जबकि मैंने कहा कि एक्सपेरिमेंट बेस पर भी इनके टेस्ट हैं जिनके माध्यम से हम इनको पहचान सकते हैं, इनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, और उसमें से सबसे बेस्ट टेस्ट है आपका सिंपल टेस्ट है जिसको लिटमस टेस्ट कहते हैं। वहां ब्लूइस और रेडिस लिटमस के द्वारा हम इनकी टेस्टिंग करके इनको पहचान सकते हैं। और नेक्स्ट डिस्कशन लेंगे साल्ट का। साल्ट और इन्हें आइडेंटिफाई करेंगे इनके डेफिनेशन से ही, और ये एक प्रकार का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। व्हेन अ एसिड रिएक्ट विथ बेस देन इट मेक्स साल्ट एंड सब्सट्रेक्टेड वाटर। जब कोई अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तो क्रिया करके लवण बनाता है और जल पृथक करता है। बच्चों ये रिएक्शन कॉन्सेप्ट बेस है, और इस फंडामेंटल बेस पर हम कई सारे न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शंस हैं जो एग्जांपल्स में ले सकते हैं और पहचान सकते हैं कि कैसे साल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो आइए लेते हैं एग्जांपल में। सबसे पहले कोई एसिड चुन लेते हैं जैसे HCl, और दूसरा कोई बेस ले लेते हैं लाइक NaOH, और जब ये स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस रिएक्ट करते हैं तो यहां सोडियम क्लोराइड साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं NaCl और वाटर मॉलिक्यूल का सब्सट्रैक्शन H2O। तो ये देखिए रिएक्शन बिल्कुल जस्ट इस फंडे पर फिट होती है और प्रूफ करती है कि जो बनने वाले सब्सटेंस हैं वे साल्ट हैं। तो यहां सोडियम क्लोराइड साल्ट, सोडियम क्लोराइड ये साल्ट के रूप में प्रोड्यूस होगा और जबकि वाटर का सब्सट्रैक्शन होगा। चलते हैं सेकंड एग्जांपल में। एसिड चेंज कर लें, H2SO4 ले लें सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका रिएक्ट करा दें कास्टिक सोडा से NaOH से, देन ये कन्वर्ट करेगा इसको सोडियम सल्फेट साल्ट में, और वाटर के साथ जब इसको बैलेंस में लाएंगे तो साल्ट देगा Na2SO4। बच्चों क्यों Na2? बिकॉज सल्फेट पर 2 माइनस होगा और सोडियम सिंगल प्लस होता है, इसलिए यहां हमें Na2SO4 फार्मूला लिखना होगा। और वाटर मॉलिक्यूल में ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ H2 का सब्सट्रैक्शन किया जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और प्रूफ करती है कि कैसे साल्ट का फॉर्मेशन किया जाता है। नाउ थर्ड एग्जांपल, एसिड चेंज करें HNO3 और रिएक्ट करा दें कास्टिक पोटास से KOH से, देन पोटेशियम नाइट्रेट साल्ट का फॉर्मेशन होगा KNO3 का, आल्सो नेम्ड सोडा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस सब्सट्रक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो एक एसिड है एक बेस है, जो बन रहा है वो साल्ट है और साथ में वाटर का सब्सट्रक्शन। तो और एक एग्जांपल ले बच्चों, लाइक एज HCl प्लस KOH रिएक्ट करा दें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, साल्ट प्रोड्यूस होगा KCl और सब्सट्रक्शन होगा वाटर का। तो ये बेस्ट रिएक्शंस हैं जो साल्ट फॉर्मेशन के लिए जाने जाते हैं, और यहीं से डेफिनेशन आपकी मेंटेन हुई कि वे सब्सटेंस जो अम्ल और क्षार की क्रिया द्वारा बनते हैं, या हम कह सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार की क्रिया करते हैं तो बना हुआ पदार्थ साल्ट या लवण कहलाता है। तो अब अगर हम इन्हें बच्चों टेबलाइज करें एसिड बेस और साल्ट में, तो कुछ अच्छे एग्जांपल्स ले सकते हैं जो आपके आगे आने वाले सिलेबस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, और टॉपिक्स में यानी रिएक्शंस में जब हम होंगे तो इनका बहुत ज्यादा हमें वहां यूज मिलेगा। एसिड्स के लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड,
CH3COOH STK से। और इसी तरह एरोमेट्स में जाएं बच्चों, देन C6CH5COOH बेंजोइक एसिड, HCOOH फॉर्मिक एसिड। ये सब एसिड कई टाइप्स में आते हैं। बेसिस के लिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, आल्सो नेम्ड कास्टिक सोडा, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नेम्ड कास्टिक पोटास, CaOH का होल टेकन टू पोटेशियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आल्सो नेम्ड स्लेट लाइम। ये बच्चों आपके कोर्स का कंपाउंड है। जैसे NaOH के लिए मैंने बोला एल्कलाइन मेटल, जब एस ब्लॉक में पढ़ेंगे वहां इनका फॉर्मेशन जानेंगे, और ठीक उसी तरह से एस ब्लॉक का जब सेकंड डे स्टडी करेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, वहां पर हम CaOH का होल टेकन टू इनका भी फॉर्मेशन करेंगे। देन इसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH वीक बेस के रूप में जानते हैं इसे, MgOH का होल टेकन टू, AlOH का होल टेकन थ्री, और इस तरह से ये एग्जांपल्स ले लेते हैं जो हमारे बेसिस के रूप में जाने जाते हैं। साल्ट में आए तो साल्ट फॉर्मेशन के लिए अभी देखा ही रिएक्शन हम लोगों ने, कुछ अच्छे साल्ट्स हैं लाइक एज NaCl, लाइक एज KCl, लाइक एज MgCl2, लाइक एज AlCl3, लाइक एज CaCO3, लाइक एज Na2SO4, लाइक एज K2SO4, लाइक एज KNO3 एंड एसेक्ट्रा मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। बच्चों ये सब एग्जांपल्स आपको टेबलाइज किए मैंने एसिड बेस और साल्ट में, और इन्हीं में से रिलेटेड आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शंस हैं जो आगे मिलने वाले हैं। तो बहुत जरूरी है आपके लिए कि इन्हें विद फार्मूला मॉलिकुलर फार्मूला लर्न कर लें, साथ ही साथ फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला में इनका ओपन करना आपको बेसिक क्लासेस में सिखाऊंगा जब मैं वैलेंसी का क्लास लूंगा। और बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से ही आपको यहाँ मॉलिकुलर मास भी कैलकुलेट करना सीख लेना चाहिए एसिड बेस और साल्ट का। तो मैं एक दो एग्जांपल्स यहाँ लेकर के आपको बता देता हूँ, और आप जितनी भी मैंने टेबल यहाँ भी दी है आपको एसिड्स के लिए, बेस के लिए और साल्ट के लिए, आप इन सब के मॉलिकुलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने पास नोट भी कर सकते हैं, ताकि कोई कई बार तो आपको यहाँ एक्सपेरिमेंट में वॉल्यूमेट्री के लिए इनकी बहुत जरूरत पड़ती है। तो या तो फिर आप इसी तरह कैलकुलेट करें वहां, और अगर प्रैक्टिस में है तो आप बहुत जल्दी से इनको कैलकुलेशन में फार्मूले में पुट अप करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए इन्हीं एसिड बेस और साल्ट के लिए कुछ एग्जांपल्स लें। जैसे H2SO4 एसिड में ले लेते हैं, कास्टिक सोडा NaOH बेस के लिए लेते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 साल्ट के लिए। एक एसिड लिया और एक बेस है और एक साल्ट, और मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जब यूनिट स्टार्ट लेंगे तो इसके न जाने कितने सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो अभी चूंकि हम यहाँ केवल आज की क्लास में डिस्कशन ही कर रहे हैं एसिड बेस और साल्ट का, तो इसलिए मैं आपको यहीं से बता देता हूं सिंपल वे पर। जरूरी होगा कि हमें इनके एटॉमिक मासेस लर्न हो, तब हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इसलिए मैंने प्रीवियस क्लास में आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का भी कैलकुलेशन करना सिखा दिया है, और कुछ मेन एलिमेंट्स थे जिनके लिए आपको लर्न भी करा दिया। तो चलिए H2SO4 का मॉलिकुलर मास देख लें। यहां बच्चों देखिए हाइड्रोजन 2 है, और सिंगल हाइड्रोजन का मॉलिकुलर मास एटॉमिक मास 1 होता है। देन 1 × 2 फॉर हाइड्रोजन, प्लस सल्फर के लिए सिंगल सल्फर एटम का मास 32 होगा, प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम हैं और सिंगल ऑक्सीजन एटम का मॉलिकुलर मास या एटॉमिक मास 16 होता है। अब इसको आप टोटल कर सकते हैं, 2 + 32 + 64, और फाइनली ये आपको मिलेगा यहां से 98। इट इज इन द एम वैल्यू ऑफ H2SO4, मॉलिकुलर मास ऑफ H2SO4। तो ऐसे कह रहा हूं कि क्वेश्चन में वॉल्यूमेट्री में आप या तो ये वैल्यू डायरेक्ट डाल रखिए और पुट अप कर लीजिए फार्मूले में,
क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए सबस्ट्रिंग्स की, और या फिर इसी मेथड से आप इनको कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड का फाइंड आउट करें मॉलिक्यूलर मास। सोडियम का सिंगल एटम है और इसके लिए मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास होगा 23 प्लस सिंगल ऑक्सीजन के लिए 16 एंड सिंगल हाइड्रोजन एटम के लिए 1। और बच्चों जब इसको आप टोटल करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH का वैल्यू होगा 40, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जब आप कहीं कंक्लूजन करेंगे इसका इक्विवेलेंट वेट के लिए, देन आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू फॉर इक्विवेलेंट वेट। और फिर कर लेते हैं साल्ट में कैल्शियम कार्बोनेट के लिए। कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट सिंगल एटम के लिए होगा 40 प्लस कार्बन के लिए 12 प्लस ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं और सिंगल ऑक्सीजन का 16। आप कैलकुलेट करें इसको, 40 प्लस 12 प्लस 48, और इस तरह से बच्चों ये वैल्यू आपको मिलेगी एग्जैक्ट 100, और ये मॉलिक्यूलर मास होगा CaCO3 का। तो इस तरह से बच्चों ये एसिड बेस और साल्ट के मॉलिक्यूलर मास हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब आपका भी यही वर्क है, आप और भी मैंने जो भी टेबल्स में दिए हैं एग्जांपल्स, आप इनको लेकर के सॉल्व करिए। और मॉलिक्यूलर मास जिस भी एलिमेंट्स के लिए एटॉमिक मास आपको नहीं आता हो वो आप इस वीडियो में कमेंट कर लें, और कमेंट करके उस एलिमेंट्स का वहां नेम लिख दें तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि किस एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना होता है। और अच्छा रहेगा कि 1 से 30 तक का आप लर्न कर लें, तो वहां मैं आपको कमेंट्स में ही बता दूंगा कि किस एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना होता है। तो प्रैक्टिस करिए, और एसिड बेस और साल्ट से रिलेटेड टॉपिक्स आपका आज ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों फिर से आपको कुछ नई जानकारियां दूंगा और नए नए टॉपिक का डिस्कशन करूंगा।